May I come in? Okay. My life. सो हाय गाइस, गेम में इवोल्यूशन M10 2.0 आ गया है, लेकिन अपकमिंग टाइम पे आने वाला है इवोल्यूशन MP40 2.0। जी हाँ, सही सुन रहे हो, गेम के अंदर MP40 का क्रेज कम नहीं होता, ये घराना वालों को पता है। इसलिए इवोल्यूशन MP40 2.0 लाया जाएगा, जिसका रिव्यू शुरुआत में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब पूरा यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, बाकी तो वीडियो के अंदर आगे ही दिखाऊंगा कि कुछ और भी अपडेट्स वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। जैसे कि बात कर लेंगे कल सुबह आने वाले दो न्यू इवेंट्स के बारे में। पहला है टू नाइट अपडेट, हालांकि दोनों ही टू नाइट अपडेट में गिना जाएगा। एक है न्यू मोकोस्टर इवेंट और दूसरा है स्टोन एक्सचेंज रिवॉर्ड। सभी कुछ इवेंट जो है कल सुबह आने वाले हैं, तो दोनों को बार आज अपडेट्स देने वाला हूं। और तो और बात कर लेंगे दो न्यू गन स्किन, यानी कि यूजर आई का दो न्यू गन स्किन निकल कर आया है, उन दोनों को बार भी अपडेट्स कवर करने वाला हूं। देन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपकमिंग कुछ न्यू गन स्किन डिजाइन किया गया है, जो कि OB41 अपडेट में, OB40 अपडेट में। तो आप गाइस को अपडेट तो बहुत से है, बस आप लोग आखिर तक देखते रहिए, सारे अपडेट्स आपको पता चल ही जाएगा। तो आओ गाइस अब स्टार्टिंग करते हैं टू नाइट अपडेट से। कल सुबह आपको अपने गेम के अंदर एक न्यू मोको स्टोर का इवेंट देखने को मिलेंगे, जिसको बार आपको मैंने कल अपडेट दिया था। वैसे मैं कल रिव्यू नहीं करा पाया था, बस आपको मैं एक बैनर शो कराया। जैसे कि रिव्यू गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हो, इसके अंदर आपको एक MP5 का गन स्किन देखने को मिलने वाले है, और साथ ही में एक बैट का स्किन भी दिया गया है। बाकी बैट के स्किन को मतलब जो चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन जो MP5 गन स्किन है ये आपको मिलने वाले कल सुबह मोको स्टोर इवेंट में। बाकी बात करें एट्रीब्यूट वगैरह क्या कुछ आपको मिलेंगे, तो इसके अंदर आपको मिलने वाले है सिंगल मैगजीन और साथ में डबल आर्मर पेनिट्रेशन, जिनको स्पिन करना है करके देख सकते हो। मगर मेरे हिसाब से गन स्किन कुछ खास नहीं है, और ना ही ये गेम के अंदर चलता है इतना, तो स्पिन करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ बढ़िया गन स्किन आएगा तब स्पिन कर लीजिएगा, डायमंड वगैरह जमा के रखिए, आगे बहुत सारे इवेंट आएंगे। तो बाकी वीडियो में आगे बात करने से पहले गाइस गूगल प्ले स्टोर का फ्री रिडीम कोड एंड साथ में फ्री डायमंड के लिए मैं एक ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं। लिंक पे क्लिक करके आप लोग यहां से एप्लीकेशन को इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो। देन गाइस को एप्लीकेशन जैसे डाउनलोड हो जाएगा, फिर आपको इसको जो इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल के बाद इसको ओपन करना है, एंड कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। बाकी यहां पर कुछ परमिशन आपसे मांगा जाएगा, जिसको अलाउ कर देना है। और फिर गाइस को वेरीफाई के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, बस अपना न्यू मोबाइल नंबर डालिएगा अगर आप लोगों ने पहले कभी ऐसा किया हो तो। और इसके बाद मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उसको देकर वेरीफाई कर लेना है। और भाई आप लोगों को यहाँ पर राइट साइड में एक बेल आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जहां पर रिडीम कोड लिखा हुआ है। सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, रिडीम कोड को गूगल प्ले स्टोर में जाकर पेस्ट कर देना है। बाकी एप्लीकेशन के जरिए आप लोग गेम खेलकर पैसे कमा सकते हो, और भाई उसके बाद आपको जो भी करना है आप लोगों पर डिपेंड करता है। रिडीम कोड लेना है वो भी ले सकते हो, और डायमंड लेना डायमंड ले सकते हो। बाकी यहाँ देखो काफी ज्यादा आपको फायदे देखने को मिलने वाले, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दोनों जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जल्दी जाओ डाउनलोड करो एंड रजिस्टर करो। तो अब इसके साथ में वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे अपकमिंग कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को अपने गेम के अंदर OB40 अपडेट के बाद या फिर शायद OB41 अपडेट में कुछ न्यू कमाल के गन स्किन गेम के अंदर नजर आएंगे, जिनमें से कुछ गन स्किन का रिव्यू आप लोग यहां पर देख सकते हो। गरना वालों ने ऑफिसर तरीके से सर्वे के अकॉर्डिंग हमको यह पूछा है कि ये जो गन स्किन हम लोग डिजाइन कर रहा है ये आप लोग को कैसा लग रहा है दिखने में। अगर आप लोग कहते हो कि यार नहीं, गन स्किन दिखने में काफी बढ़िया है, डिजाइन भी मस्त है, अपकमिंग टाइम पे इन गन स्किन को गेम के अंदर दिया जाएगा। वैसे मैं सही बताऊं तो भाई गन स्किन को काफी तगड़ा डिजाइन किया गया है। जो दूसरे बैटल ग्राउंड गेम है उस पे भाई गन स्किन कुछ ऐसे ही जो है देखने को मिलते हैं, मतलब कि थोड़ा सा मशीन टाइप का देखने को मिलता है गन स्किन, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही डिजाइन किया जा रहा है। तो आप लोग गाइस ये जितना सारे नया गन स्किन वगैरह देख सकते हो, ये आप लोग को अपकमिंग टाइम पे कुछ कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग गेम के अंदर देखने को मिलने वाले है। अभी गन स्किन को पूरा रेडी नहीं किया गया है, बस एक लुक के अकॉर्डिंग हमको दिखाया जा रहा है सर्वे के वाइज की भाई हमको अगर गन स्किन बढ़िया लगे तो करने वाले बाद में जाके इन गन स्किन को डिजाइन करेंगे, इसमें बेहतरीन लुक देंगे, बेहतरीन एट्रीब्यूट देंगे, और डायमंड भी बेहतरीन काटेंगे, क्योंकि यार जब गन स्किन बेहतर होगा तो डायमंड भी ज्यादा ही लगते हैं, आप लोग जानते हो। वैसे बेसिकली अपकमिंग टाइम पे आप लोग को ये गन स्किन अपने गेम के अंदर नजर आ सकता है, लेकिन हाँ ये सब कुछ OB40 अपडेट में तो भाई आने का चांस मुझे बहुत ही कम लग रहा है, क्योंकि यार गरना वाला अगर देंगे तो भाई इनमें से कुछ गन स्किन ऐसा जो कि कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन है, यानी कि जो नेरुटो और एनिमी के साथ में कोलैब किया जाएगा, पोकेमोन के साथ में कोलैब किया जाएगा, और स्पाइडरमैन भी है, तो यार देखते हैं गरना वाले किसके साथ में कोलैब करेगा। और उसी कोलैबोरेशन के अकॉर्डिंग कुछ गन स्किन को डिजाइन किया गया है, जो कोलैबोरेशन फाइनल होगा उसके अकॉर्डिंग गन स्किन गेम में नजर आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर नेरुटो के साथ में कोलैबोरेशन कंफर्म हो जाए तो आप लोग को अपकमिंग टाइम पे नेरुटो का बंडल वगैरह और उसके थीम पे डिजाइन किया गया आइटम्स गन स्किन ये सब जो है गेम के अंदर नजर आ जाएगा। लेकिन ये सब भाई OB41 अपडेट में होने वाला है, फिलहाल तो ऐसा कोई लीक से नहीं है। अगर उसके पहले करने वाले करते तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी के जो कोलैबोरेशन आइटम्स है वो गेम के अंदर आने वाले हैं, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक न्यू यूजी का स्किन के बारे में। गाइस आप लोग यहां पर एक बैनर देख सकते हो, जहां पर दो यूजर आई गन स्किन को दिया गया है। वैसे डिजाइन तो तीन किया गया था, लेकिन इसका एक स्किन ऑलरेडी गेम में बहुत पहले आ गया है रेट ऑफ इवेंट के थ्रू, अब बस बचता है और दो गन स्किन, एंड ये दोनों गन स्किन आप लोग को अपकमिंग टाइम पे अपने गेम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। पहले जो लीक मिल रहा था कि आप लोग को एक इनक्यूबेटर के अंदर इन दोनों गन स्किन को अवेलेबल कराया जाएगा, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग को कल सुबह अपने गेम के अंदर एक न्यू
न्यू इंक्यूबेटर देखने को मिलने वाले हैं, जो कि स्टोन के बदले रिवॉर्ड्स लेने के लिए खास करके आएगा, जिसका डेट है 17 मई से लेकर 13 जून तक। और ये जो इंक्यूबेटर है 17 मई से लेकर 13 जून तक ये लास्ट इंक्यूबेटर है, इसके बाद अपने गेम में एक भी इंक्यूबेटर नहीं आएगा। तो कन्फर्म यही होता है कि जो यूजर आई का स्किन है उसको इंक्यूबेटर के अंदर दिया नहीं जाएगा, उसको किसी और इवेंट के थ्रू अवेलेबल किया जाएगा गेम में। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि भाई आप लोग को अपकमिंग टाइम पे कुछ और इवेंट के जरिए ये यूजर आई का स्किन देखने को मिल जाए। लेकिन हाँ, इवेंट के अंदर सर ये दोनों गन स्किन नहीं बल्कि कुछ और भी गन स्किन आप लोग को मिलेंगे। वैसे गन के अंदर मतलब जो एट्रीब्यूट है वो काफी बढ़िया है, डबल डैमेज और साथ में डबल रेंज, इस तरीके से आपको जो एट्रीब्यूट वगैरह देखने को मिलने वाले हैं, थोड़ा सा बढ़िया एट्रीब्यूट मान के चल सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे एक्सचेंज स्टोन रिवॉर्ड्स के बारे में। कल सुबह इवेंट को किस तरीके से दिया जाएगा एंड क्या कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं, आप लोग यहाँ पर एक बैनर देख सकते हो। इस बैनर के अंदर एकदम साफ लिखा गया है कि आप लोग को गन स्किन और बंडल्स मिलने वाले हैं स्टोन के बदले। एंड बंडल में भाई एक बंडल को दिया गया है जो कि है डिनो बंडल, लेकिन गन स्किन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है बैनर में। और गाइस एक बात ये भी कंफर्म हो गया है कि आप लोग को स्टोन के बदले कुछ डिनो के बंडल्स मिलने वाले हैं। और भाई देखो यहाँ पर सिर्फ एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे डिनो बंडल को ऐड किया गया है आज तक फ्री फायर में। जो बहुत पहले डिनो बंडल आया करता था उनमें से भी यहाँ पर एक दो बंडल को ऐड किया है डिनो बंडल में से। एंड जो इवेंट के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा था बीच बीच में, वो सब डिनो बंडल को भी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो आप लोग इन्हीं डिनो बंडल को स्टोन के बदले ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आप लोग को इसके अंदर फिर से स्पिन करना पड़ेगा और करके डिनो का जो ब्लू प्रिंट है उसको जमा करना पड़ेगा। अब गाइस देखो देखा जाए इवेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है या फिर कहा जाए लोचा है, क्योंकि जो इवेंट के अंदर ब्लू प्रिंट हमको मिलने वाला है डिनो का, इसके लिए हमको स्पिन करना पड़ेगा। डिनो का ब्लू प्रिंट अपने पास पहले से है नहीं। और दूसरी बात, जो अदर इंक्यूबेटर के ब्लू प्रिंट्स वगैरह है, चाहे वो किसी का भी हो, बंडल का हो, गन स्किन हो, उसको कैसे एक्सचेंज करेंगे, तो इसका भी कोई तरीका फिलहाल बताया नहीं गया है। तो गाइस देखो जितना मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है आप लोग को जो ब्लू प्रिंट अपने आईडी में पहले से जमा किए हुए उसके लिए करना वाले कुछ और इवेंट दे सकते हैं, और नहीं भी ऐसा हो सकता है कि भाई ब्लू प्रिंट सब कुछ बेकार हो जाए। और अगर कुछ न्यू इवेंट लाते हैं ब्लू प्रिंट से हमको कुछ और रिवॉर्ड्स अगर मिलते हैं तो काफी बढ़िया बात होगा, लेकिन इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। कल सुबह यह डिनो बंडल गेम के अंदर आ जाएगा इंक्यूबेटर रॉयल के अंदर, आप लोग एक्सचेंज इसको कर सकते हो। वैसे हाँ, बैनर के अंदर गन स्किन भी लिखा गया है, तो भाई गन स्किन भी कल सुबह गेम के अंदर देखने को मिल सकता है, लेकिन रिव्यू के अंदर गन स्किन नहीं था तो मैं क्लियर नहीं बता पा रहा हूँ कि भाई गन स्किन कौन सा मिलेगा, लेकिन हाँ मिलने का चांस काफी ज्यादा। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इवोल्यूशन MP40 2.0 के बारे में। आप लोग को इवो M10 2.0 देखने को मिला है, इसके बाद आपको मिलने वाले इवो MP40 2.0। इसका दो वजह है, पहली बात घराना वाले को अच्छे से पता है कि भाई देखो बहुत सारे प्लेयर को इवो MP40 2.0 पसंद आएगा, और क्योंकि यार इसका जो क्रेज है वो गेम में काफी ज्यादा है, चाहे कोबर MP40 ले लो, चाहे पोकर MP40 ले लो, सबको बार मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे प्लेयर का ये फेवरेट गन भी है। और दूसरी बात भाई, शॉर्ट रेंज गन गेम के अंदर ज्यादा यूज होता है, जिस कारण से हम लोग को पोकर MP40 की तरह और कोबरा MP40 की तरह सेम टू सेम एट्रीब्यूट को मिक्स करके थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अपने गेम के अंदर इवो MP40 2.0 देखने को मिलने वाले हैं। शायद OB40 अपडेट में आप सबको गेम के अंदर नजर आ जाएगा, या फिर OB41 अपडेट तक ये आ जाएगा, चांसेस यही है कि OB40 अपडेट में इसको दे दिया जाए। फिलहाल गाइस मेरे पास बस एक छोटा सा वीडियो के लिए आया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और एक दो दिन बाद ही अपना जो एडवांस सर्वर है वो भी ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको मैं अपना इवोल्यूशन MP40 2.0 का जो पूरा फुल रिव्यू है वो करा दूंगा। इसके अंदर क्या कुछ एट्रीब्यूट दिया जाएगा, कन्फर्म एट्रीब्यूट क्या रहेगा, एंड इसका जो मेन लुक है वो किस तरीके से देखने को मिलेंगे। हालांकि वीडियो के अंदर आपको मैं लुक वगैरह पूरा दिखा चुका हूँ, लेकिन जो फाइनल आउटपुट है यानी कि लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक आपको मैं रिव्यू करा दूंगा एडवांस सर्वर आने के बाद। एडवांस सर्वर बस और दो दिन बाद ही ओपन हो जाएगा, तो बस आप लोग बस दो दिन वेट कर लीजिए। सो वीडियो तो यहीं तक था आज का, अगर बढ़िया लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।